नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के देव सिंह मैदान में आज विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस शिविर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उमेश उदय ललित के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि देश में कानून को और सरल बनाने की जरूरत है ताकि आम जनता की कानूनी दस्तावेजों को समझ सके। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के विकलांगों को व्हीलचेयर के साथ कई अन्य सामग्रियां भी प्रदान की गई। बहुत अच्छा हुआ, यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ पिथौरागढ़ में। और जो यहाँ शिविर लगे हैं इसमें लोगों को इसको थोड़ा लंबा चलाना चाहिए ताकि लोगों को इससे मदद मिले। ये जो लीगल एड्स जो होते हैं ना, लोगों को एक तो जानकारी देते हैं प्लस उनका जो कानूनी सलाह और कानूनी सेवा ये लोगों को मिले, साथ साथ में जो सरकारी स्कीम्स है, परियोजनाएँ जो चल रहे हैं उसका भी बेनिफिट्स लोगों को पहुंचाने में हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, लॉयर्स है, ये काम करेंगे। सर, हमें लाभ जो है स्वास्थ्य विभाग का मिला और श्रमिक विभाग का मिला। यहाँ पे जो है काफ़ी विभागें लगी हैं जिससे हमें जो है काफ़ी लाभ मिल रहा है और हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। सभी मतलब जनताओं को जो है अवगत कराना चाहिए सरकार ने, बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर। ठीक है सर, उदय दुक्ताल धारचूला। खबर पिथौरागढ़ से है जहां बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन किया, जहां जहां विकलांगों को व्हीलचेयर के साथ अन्य कई सामग्रियां भी उन्होंने प्रदान की। आपको बता दें कि इस दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि देश में कानून को और सरल बनाने की जरूरत है ताकि आम जनता भी कानूनी दस्तावेजों को समझ सके। विकास नगर पालिका बोर्ड में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा विकास नगर पालिका क्षेत्र के कुल 26 प्रस्तावों में 24 प्रस्ताव पास किए गए। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुठावा की अध्यक्षता में सभी सभाजत व कर्मचारी ने इस बैठक में भाग लिया और बैठक में सभी सभासदों ने अपने अपने वार्डो की समस्याएं रखी, जिससे अध्यक्ष के द्वारा जल्द निपटाने का आश्वासन दिया गया। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में 26 विषय एजेंडे के अनुसार विचार के लिए रखे दिए थे, जिनमें 3 प्रस्ताव छोड़कर बाकी सभी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें 15 वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्य के प्रस्ताव थे, संस्कृतियों के अंतर्गत और अवस्थापना निधि के अंतर्गत शासन से हमें 17, 19 कार्यों की स्वीकृति मिली थी, उनके कार्यों के प्रस्ताव पारित हुए हैं और अन्य सभासदों द्वारा विभिन्न प्रस्ताव दिए गए, जिसमें सिंगरा कॉलोनी के पार्क का विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण और 2 वार्ड नंबर 11 की 1 सड़क सार्वजनिक घोषित करने की बात रखी गई। वार्ड नंबर 2 में 1 खाली जमीन है, उसको पार्क के उपयोग में सार्वजनिक। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के काफिले पर हमले को लेकर कई आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित जितिन शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर एएसपी प्रमोद कुमार और एडीएम जय भारत सिंह का घेराव कर बातचीत की। वहीं पुलिस ने पहले की ही कोतवाल का गेट बंद कर दिया और गेट के बाहर फोर्स तैनात कर दिया था, जिसमें जिला अध्यक्ष पंडित जितेन शर्मा ने कहा कि 4 दिसंबर को पूर्व कैबिनेट मंत्री के काफिले पर हुए हमले को लेकर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। भाजपा सरकार के षड्यंत्र के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री पर हमला कराया गया। परसों जिस तरीके से यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र संजीव आर्य जी पर एक जानलेवा हमला हुआ और हम लोगों ने परसों अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी, आज हम पुलिस प्रशासन से ये पता करने गए थे कि हमारी रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार द्वारा
जो हम लोग को आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। और हम उनसे एक अनुरोध करने गए थे, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस प्रशासन से आज हम लोग एक फरियाद करने गए थे कि बाजपुर क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी सरकार के दबाव में इस तरीके की जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए। दिन दहाड़े थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे जो हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये पुलिस प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, जल्दी हो और एकदम फेयर हो। माननीय यशपाल जी पर ये जानलेवा हमला किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज एक मंच पर, और हम लोगों ने पूरी कमेटी ने शासन को संस्तुति भेजी है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल इनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाती है, माननीय उच्चतम न्यायालय में हम लोग इसी गुहार करेंगे, इसका विरोध करेगा। और ऐसे चंद गुंडों के से यशपाल आर्य की गरीब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो प्रचंड भावों से जीतेंगे। उसी के संबंध में जो है एक पक्ष द्वारा यहाँ पे थाने आए हुए और उनसे जो है वार्ता की गई, उनके द्वारा पूछा गया था कि क्या कार्रवाई हुई है उसमें। तो जैसा उनको बताया गया कि फ्री एंड फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें, और हमारे जो सीओ साहब हैं सीओ बाजपुर साहब, उनके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो इसमें जो विधि सम्मत रूप से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, साक्ष्य वितरण की कार्रवाई की जाएगी, मौके पर कौन कौन लोग उपस्थित थे उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, और जो फुटेज है कुछ फुटेज भी अवेलेबल है उनका भी अवलोकन किया जाएगा और सारे साक्ष्य संकलन करने को। कलेर के विधानसभा ज्वालापुर के सभी ग्रामों में खेड़ी शिकोहपुर कलेवाला तेलपुरा आदि ग्रामों में जनसमस्या को लेकर कांग्रेस नेता भूप सिंह का दौरा किया। कांग्रेस नेता भूप सिंह ने विधानसभा ज्वालापुर की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर मेरा जनता के सामने विधायक के रूप में आता है तो विधानसभा ज्वालापुर की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और रात दिन यहाँ की जनता सेवा में खड़ा रहूंगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव की सड़कें खस्ताहाल है और ना कोई स्कूल अस्पताल की व्यवस्था नहीं है और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। और जो मौजूदा विधायक हैं वो वोट के लिए 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन अब की बार हम सरकार बदलेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह, मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक हूं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इस लायक समझती और मुझे टिकट देती तो मैं जीतने के बाद इस क्षेत्र का अच्छे से ध्यान रखूँगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोडों का और इनके मान सम्मान का ध्यान बराबर रखे जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो यहाँ पर एक मेडिकल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और एक दो डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। शिक्षा को लेकर कोई, मैंने कहा कि एक दो कॉलेज डिग्री कॉलेज भी क्षेत्र में बनाए जाएगा। जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए भी, रोजगार के लिए भी अगर हमारी सरकार आती है उसमें भी हम प्रयास करेंगे। अभी हरीश रावत जी आए थे 28 तारीख में लामगंज में, उन्होंने घोषणा किया बहुत सारे पद खाली हैं उन्हें। रुड़की में मेयर और पार्षदों के बीच चले आ रहे तनाव के बीच अब आम आदमी पार्टी ने भी मेयर और अधिकारियों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर, मुख्य नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी के कार्यालय का शुद्धिकरण किया। आप पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने निगम में गोमूत्र का छिड़काव भी किया, साथ ही नगर निगम के महापौर व अधिकारी के कार्यालय के बाहर गाय का गोबर भी फेरा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक लखवान ने कहा कि नगर निगम के महापौर और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे शहर का विकास ठप हो चुका है। के जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे से मेरा मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, वो झाड़ू के प्रयोग से पूरे शहर में स्वच्छता रखते हैं और इस शहर को नंबर एक नंबर दो पर लाते हैं। वहीं उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं, जिनके हाथ में कलम है, और जो मेयर साहब हैं, वो भ्रष्टाचार के कारण इस शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारीगण हैं वो भ्रष्ट हैं, यहाँ के मेयर साहब हैं वो भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ के पार्षद बैठे थे। कुछ पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना कीमती वोट देकर नगर निगम में मेयर और पार्षद इसलिए चुनती है ताकि जनता का कार्य हो, लेकिन ये जो भी 2-3 दिन से एपिसोड चल रहा है, खुलेआम जनता की जो गाड़ी कमाई है उसमें लूट मचा रखी है,
ना तो यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। जो नगर निगम के कार्य हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। बंदर बांट हो रही है, लूट मच रही है और इसमें मेयर साहब पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नगर निगम को गोमूत्र और गो। नई टिहरी में बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि देहरादून से दिल्ली की ओर आधा दिया है, जहां हमारी केंद्र सरकार ने देहरादून से टिहरी के लिए टनल निर्माण कार्य बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। यह हमारी डबल इंजन की सरकार है, जहां चार धाम प्रोजेक्ट रेलवे लाइन हमारी केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 60 साल तक राज किया उनका ध्यान इस ओर कभी नहीं गया तथा हमारे उत्तराखंड प्रदेश में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ शौचालय का निर्माण नहीं करवाया गया हो। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने हर घर जल, हर घर नल का निर्माण भी कराया। देहरादून से दिल्ली की दूरी थी उसको आधा कर दिया है और अब हम 2.5 और 3 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफ़र तय करेंगे। हमारी केंद्र सरकार ने बहुत जल्दी देहरादून से और टिहरी में जो टनल द्वारा रोड बनेगी उसका निर्माण कार्य भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और ये डबल इंजन की ही सरकार की देन है कि ऑल वेदर रोड, चार धाम प्रोजेक्ट और रेलवे लाइन हमारी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार उत्तराखंड को दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी सरकार इस देश के अंदर 60 सालों तक रही उनका उस दिशा की ओर ध्यान तक नहीं गया है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ होगा, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो आपके जहाँ पर हमारा हर नल, हर घर नल और हर नल में जल की व्यवस्था नहीं हुई होगी। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की कृपा है कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ तक रोड नहीं पहुँची होगी, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ। लालकुआ के अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलितों के उद्धार के लिए उनको समान रूप से अधिकार देना जरूरी है। भीमराव अम्बेडकर जी का जो आज परिनिर्वाण दिवस है उसके अवसर पर लालकुआ में अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें प्रतिभाग करने आया हूँ और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती हैं जिनके अंतर्गत के 19% का जो प्राविधान होता है बजट का वो संविधान के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है। तो हमने लोगों से कहा है कि 19% की योजनाओं के लिए आप अपने गांव मोहल्ले। खबर बाजपुर से है, जहां पर उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल नीलेश आनंद ने कल की घटना को लेकर पीसी के दौरान पुलिस को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, कोई भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब से बनाए गए शस्त्र, लाइसेंसों और अवैध हथियारों रखने वालों के खिलाफ रात में जाकर कोतवाल और सीओ को कार्रवाई करने के सख्त दिया निर्देश दिए हैं। उन्होंने पता चलना चाहिए कि कानून में कितनी ताकत है। फोर व्हीलर वाहनों के काले शीशे की फिल्म उतार कर उन्होंने वाहन चेक कराए जाए ताकि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तराखंड में अपराधियों की घुसपैठ होने की आशंका हो तो अस्थायी रूप से चौकी भी स्थापित की जा सकती है और पुलिस की व्यवस्था के लिए कोतवाली में ज्यादा पुलिस बल भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही भरने के साथ ही उसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। और अवैध खनन को लेकर उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो एससी एसटी के मामले की जांच सीओ वंदना वर्मा के तरह की जा रही है। कल जो है भाजपुर में जो घटना हुई है तो मैं स्वयं जो है आज इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें जो है इसमें दोनों पक्ष से एफआईआर आई थी तो उसमें जो उचित धाराओं में जो है वो संज्ञान लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई दोनों पक्षों की। इसमें जो है जो यशपाल आर्या जी इनकी तरफ से जो एफआईआर आई थी एससी एसटी और बलवे की उसकी जो है विवेचना सीओ भाजपुर को दी गई है और सीओ भाजपुर अपने निर्देशन में टीम बनाकर स्वयं जो है इसमें उन्होंने विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। इसमें मैंने तत्काल आदेश दिया है कि इसके सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो ले लिए जाए और जितने जो भी है इसका
डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से करे और जो है कड़े से कड़े जो है उसमें कदम उठाए जाए और कानून व्यवस्था के साथ जरा भी जो है वो न हो और सख्ती से। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। सितारगंज नगर स्थित कांग्रेस कार्यकर्ता में एकत्र हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर माला चढ़ा उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा, बाबा साहेब की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि के उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहेब ने जो हमारे देश का संविधान दिया है, जिसमें हमें समानता का अधिकार दिया और जो कानून संविधान में दिए गए, उसमें सबको एक जैसा कानून दिया जाए। कि आप जानते हैं, आज कानून के रचयिता, कानून के प्रधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर 1956 को वो हम सब देशवासियों को छोड़ के अलविदा बोल गए थे, लेकिन जो उन्होंने कानून लिखा, देश का संविधान लिखा, वो हम सभी युवाओं को, हिंदुस्तान की जनता को अच्छे से याद है। और कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारा साथी अगर कानून के मार्ग से भटकता है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि उसे कानून के बारे में समझाएं और कानून का सम्मान करें। और हमारे देश का कानून तो पूरी दुनिया के अंदर प्रख्यात है। रुड़की में नगर निगम पार्षद और मेयर का जाल मामला शांत होने के नाम पर नहीं ले रहा, जिसके चलते अब नगर निगम पहुंचे दर्जनों पार्षदों ने बोर्ड की बैठक करवाए जाने की मांग को लेकर मेयर कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता भी पार्षदों के समर्थन में नजर आए। पार्षदों का आरोप है कि मेयर जानबूझकर बोर्ड बैठक में नहीं करवाना चाहते, जिसके कारण शहर के विकास कार्य रुका हुआ है। पार्षदों ने एक बार फिर से मेयर को भ्रष्टाचारी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। से मेयर साहब ने बोर्ड की बैठक में सिर्फ 2 बार ही बुलाया, जबकि 12 बार बुलानी चाहिए। जनता के विकास रुके हुए, सड़कों का निर्माण होना है, आप जानते हैं अभी 2022 इलेक्शन आ रहा है, 1 महीना रह गया। अगर बोर्ड की मीटिंग ना हुई तो लोगों के 5 महीने तक कोई विकास नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठक को लेकर जो पार्षद होता है सीधा जनता से जुड़ा हुआ होता है, मेयर नहीं जुड़ा हुआ होता, सीधा पब्लिक से संवाद जो होता है पार्षद का होता है। कितने भी छोटे छोटे कार्य हों, चाहे वो सफाई का विषय हो, चाहे वो लाइट का विषय हो, पार्षद को ही कहा जाता है कि आपको मेरी लाइट लगवानी है, आप मेरे को सफाई करवानी है, मेरी सड़क टूटी है, मेरा पार्क खराब है, ये सारे विषय जो है पार्षद के उसमें आते हैं और पार्षद प्रस्ताव लेकर नगर निगम आता है। अब खबर मसूरी से है, जहां पर भीमराव अंबेडकर चौक पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर स्कूली छात्राओं ने उनकी तरफ से किए गए सामाजिक और धार्मिक कामों को याद किया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। पिथौरागढ़ के थल थाने में नवनियुक्त थानाध्यक्ष हरीश रंग डांगी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्थानीय लोगों और सीएलजी सदस्यों के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बैठक ली, जिसमें नए थानाध्यक्ष हरीश रंग डांगी ने लोगों को नगर के यातायात व्यवस्था, अपराध पर अंकुश लगाने और साइबर अपराध को रोकने के साथ नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने पर वाहन के सीज करने की कार्यवाही और उनके अभिभावकों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने लोगों को बैठक में कोरोना के लिए आगाह किया, मास्क की अनिवार्यता और 10 बजे के बाद विवाह कार्यक्रम में डीजे बजने पर कार्रवाई करने के लिए भी आगाह किया। यहाँ पर तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है और जो भी जन समस्या है उनका निराकरण करना और फरियादियों की समस्या को सुनकर उनका शीघ्रातिशीघ्र उनकी समस्या का समाधान करना, ये मेरी प्राथमिकताओं पर रहेगा। साथ में इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि नाबालिगों को आजकल एक ट्रेंड चला हुआ कि नाबालिग बहुत मोटरसाइकिलों को रफ और तेज चलावाते हैं। खबर चमोली जिले के नारायण बगड़ प्रखंड का है, जहां सुप्रसिद्ध गिरजा भवानी राजेश्वरी सिद्धपीठ चौपता चौरी में त्रिशला नवरात्र का विधि विधान और पारंपरिक पूजन अर्चना करने के बाद शुभारंभ हो गया।
कड़ाकोट पट्टी का चौपता गांव में 3 सालों से होने वाले इस भव्य नवरात्र की तैयारियां क्षेत्र के 9 गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को ही पूरी कर ली थी। रविवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को मां गिरजा भवानी राजराजेश्वरी सिद्धिपीठ में मंदिर की मुख्य पुजारियों और ग्रामीणों ने सबसे पहले जल कलश यात्रा का स्वागत किया और मंदिर में विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर देवी देवताओं को अवतरित कर नवरात्र की सफलता के लिए कामना की। आपको बता दें कि चौपता चौरी का यह नवरात्र बहुत ही सुप्रसिद्ध है। यह मेला हमारे पूर्व आदिकाल से यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया हुआ है और पौराणिक जो प्रथा है, वैदिक पौराणिक प्रथा जो यहाँ पे है वो लगातार चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पे जो है पूछ मंगशीर पूष माह की जो नवरात्र है उस दौरान यहाँ पे जो है हर तीसरे वर्ष में ये नवरात्र होती है और तमाम देश विदेश और पूरे पिंडर क्षेत्र से जनपद चमोली से और तमाम जैसा कि जिस प्रांगण में हम बैठे हैं ये माँ भगवती गिरिजा भवानी राजराजेश्वरी का सिद्ध पीठ है और इस कड़ाकोट की जो संभ्रांत यह जनता है इनकी आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर माँ भगवती साक्षात स्वरूप में विराजमान होती हैं और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माँ भगवती का दिव्य और नवरात्र पूजन प्रारंभ होता है। उसी क्रम में आज द्वितीय दिवस में आज तृतीय दिवस की पूजा आपने देखी होगी। तो माँ भगवती यहाँ पर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज से नहीं आदिकाल से भगवान श्री आद्य जगतगुरु काला ढूंढी में नवनियुक्त थाना अध्यक्ष रमेश सिंह बोरा ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नगर की शांति के लिए उनके विचार के लिए सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि वह जनता के सेवक के रूप में कार्य करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके क्षेत्र में सम्मानित लोगों का सहयोग मिला तो वे क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, नगर को अपराध व नशा मुक्त कर देंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनका मुख्य उपदेश नगर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना है और नशे को जड़ से खत्म करना रहेगा। उन्होंने सभी नगर व ग्रामीण क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन को कहा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पर 2 तारीख को थाना इंचार्ज के पद पर यहाँ पदभार ग्रहण किया है और आज मैंने अपने क्षेत्रवासियों के साथ यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें हम लोग आपसी सामंजस्य से किस तरह से अपराधों पर नियंत्रण कर सकते हैं, यातायात व्यवस्था को कैसे ठीक रख सकते हैं और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा समाज में नशा जो फैल चुका है और उस नशे ऐसा नशे का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तो किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है और उसमें जनता का सहयोग जो मिलेगा उस सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चंपावत के गेड़ाखाली में राजकीय पशु सेवा केंद्र के खुले 10 साल बीत चुके हैं लेकिन इसमें पशु चिकित्सक सुविधा न होने से पशु अस्पताल खंडर बना हुआ है। बता दें कि इस अस्पताल के शुरुआत में 2 साल तो सेवाएं चली थी मगर एक बार बंद होने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण सुरेश सिंह का कहना है कि हमने चंपावत CMO से बात की तो उन्होंने कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। कि बहुत बड़ी समस्या है, ये कम से कम इस अस्पताल को बने हुए 10 साल हो गए हैं जिसमें से 2 साल डॉक्टर यहाँ बैठे थे, उसके बाद ये 7-8 सालों से बंद है। ये मतलब बड़ी शर्म वाली बात है कि हमारी वहाँ पर ये दान दी हुई ज़मीन जिसमें कोई मतलब डॉक्टर नहीं बैठा अभी तक और ना इसका कोई हुआ है, इसे एक बिल्डिंग बना दी गई और ये भूमिदाता को भी बड़ी शर्म हो रहा है कि मतलब ये भूमि हमने दान दे दी क्यों दी, इसलिए कि यहाँ पर कोई डॉक्टर उपचार नहीं हो रहा, गांव वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। ये 3 ग्राम सेवाओं का एक अस्पताल यहाँ बना हुआ है जिससे हमारी जानवर को बीमारी में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, रोहड़ नाले पार करके हमने दवाई लेने टनकपुर जाना पड़ता है, जो कि ये अस्पताल बनाने के लिए हमने ये भूमि दान दी तो इसकी मकसद से दी थी कि यहाँ पर हमारे गाँव वालों और गाँव वासियों के जानवरों का इलाज। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।